नवाजनी के साथ उनका पूरा प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, एक गुलाब का फूल देते हैं, हाथ मिलाते हैं, 15 मिनट में चले जाते हैं। आए ना वो भी आए, हम भी आए। क्या हम अपनी जिंदगी की चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते? क्या हम शादियों में चीफ मिनिस्टर की तरह नहीं आ सकते? सॉरी सर, आई एम द चीफ मिनिस्टर ऑफ माई ओन लाइफ। कॉन्ग्रेचुलेशन मिली, 10 मिनट में हमने मिले सर। शादियों में मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा बहुत बड़ा गोल है, मुझे इतने लाख रुपए की इनकम में पहुंचना है, इतना बड़ा टर्नओवर करना है, मुझे लग्जरी कार लेनी है। थैंक यू सो मच, मेरे एक बहुत चली है, क्योंकि इन लोगों से मेरा कुछ काम नहीं है। शादी में जो लोग आए क्योंकि आराम से खाएंगे, 2 घंटे बैठ के रोटी की लाइन में लगे रहेंगे, या गर्म वाली, ये गर्म, ये मिस्सी रोटी देना, रोटी दे दे, रोटी दे दे। सच में एक्चुअली लाइन में लगा के प्लेयर से लग के, और गोलगप्पे में तो बहुत मजेदार होता है गोलगप्पे में, भैया ऐसे छोटी सी बोल लेके गोलगप्पा भैया। और फिर वो जो देने वाला होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, मेरा राज चलेगा, मैं जिसको दूंगा उसको दूंगा। फिर एक आंटी आई थी भी, आंटी नील तो धक्का देखे, अरे बेटा अरे हमको खाने दो, आंटी आगे कर देखे, ऐसे खड़ा रह जाता है। अरे आंटी मैं खड़ा था, मेरा दोना लेके नील की आदत है ना, पहले आओ। तो हम क्या चाहते हैं? या हम ऐसा चाहते हैं कि हम शादी में जाए और राउंड टेबल में बैठे और 4 मीटर नीचे खड़े हो, पता क्यों कैसे खड़े रहेंगे? ऐसे नहीं कि हमको, हम सच में जब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तब खड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं। 100 रुपए लगते हैं, आपने 100 रुपए दिखाए उनको, उनकी जेब में आके डाले कि बेटा मैं यहाँ पे टेबल बैठा हूँ, जितना आइटम लगे सारे टेबल पे लिया। वो भागता भागता आपके टेबल पे लगा रहेगा, आपको पता नहीं चल, लोगों ने दिया ये कौन दिया है, ये कौन दिया है, ये सारे वेटर इधर क्यों भाग रहे हैं? दैट इज द स्टाइल। पर तो 100 रुपए कब आएंगे? जब 10 तारीख को कमीशन अच्छा चला है तब 100 रुपए निकलेंगे। ये 100 रुपए प्लीज आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं इसमें से ऐसे भी कह सकते हैं कि सेकंड नंबर पर फैमिली है तो वाइफ तो फैमिली में शामिल ही होगी, वो वाइफ और बेडरूम में रहे भाई को अपना टाइम आने को जरूरी। दूसरी बात ये है कि ये वाइफ का काम है कि अपने जो सर जी सिखाने भी कवर किया था कि अगर आपने अपने पति को महाराजा बनाने में मदद की तो आप तो वाइफ रिकॉर्ड महारानी हो गई। चरण जी ट्रांसलेशन बाद में कर लें क्योंकि मेरे टाइम में तो आपका टाइम काउंट हुआ नहीं तो टाइम यहाँ पर दिखा रहे हैं आप, वो मुझे 2-3 पॉइंट और कवर कर रहे हैं। प्लीज चलिए शुरू कीजिए, थोड़ा सा जिस्ट बता दीजिए जल्दी से। ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే మనం ఎన్నో పనులు మన జీవితాల్లో ఉంటాయి, అది అయిపోతే బిజినెస్ చేస్తా, ఇది అయిపోతే ఇది బాగైతే నేను ఫ్యామిలీ ఎట్లా ఉన్నది అక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్ అంతా బరాబర్ అయిపోతే నేను బిజినెస్ చేస్తా ఇట్లా అనుకుంటాం. అవన్నీ ఏం బరాబర్ కాదు, అవన్నీ అట్లనే ఉంటుంది. మనం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ బిజినెస్కి ఎప్పుడైతే ఇస్తామో రైట్, కొన్ని రోజులు 2-3 ఇయర్స్ ఈ బిజినెస్, 2-3 సంవత్సరాలు ఈ బిజినెస్ గురించి ఆలోచించి ప్రయారిటీగా మనం పని చేస్తే కొన్ని రోజుల తర్వాత అన్నీ బరాబర్ అయిపోతాయి. మన జేబులో డబ్బు ఉంటే అందరూ మనం పిలుస్తారు, ఇజ్జత్ ఇస్తారు, రైట్, మీరు మా పెళ్ళికి రండి అని పిలిపిస్తారు. పుట్టిగా మనం పెళ్ళిళ్ళలో పోయి మనం అన్నం తిని అక్కడ టైం ఖరాబ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకు ఏమరు అడిగే వాళ్ళు ఉండరు. సీఎం ఎట్లాగైతే పెళ్ళికి వస్తారు, 5 నిమిషాలు వెళ్ళిపోతారు, కానీ దాని యొక్క విలువ వేరే ఉంటుంది. మనం కూడా మన బిజినెస్లో బిజీ అయి ఉంటే చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయిన తర్వాత ఆ పెళ్ళిళ్ళకు పోతే వాళ్ళు కూడా మనకు చాలా విలువ ఇస్తారు, ఇజ్జత్ ఇస్తారు, మన జీవితం మారిపోతుంది. సో ప్రతి ఒక్క భార్య వాళ్ళ భర్తకి మహారాజా అవ్వడానికి రైట్ మదత్తు ఇవ్వండి, ఆటోమేటికల్లీ మీరు కూడా మహారాణి అయిపోతారు అని చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ చరణ్ జీ. థర్డ్ పాయింట్ థర్డ్ ఎసెన్షియల్ పాయింట్, 1 or 2 పాయింట్ టైం అప్ ఓకే. थर्ड पॉइंट इज नो डिपेंडेंस, सेंस ऑफ अर्जेंसी में कुछ एक पॉइंट ऐड करना चाहिए प्रमोद जी, चलिए. सेकंड पॉइंट इज सेंस ऑफ अर्जेंसी, प्रमोद जी एक पॉइंट लेके बैठे हैं, अच्छा सर वो बताना चाहेंगे और मैं चाहूंगा वो बताएं, दुकान वाला प्लीज बताइए सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या होती है लाइफ में, कैसे आई प्रमोद जी? सेंस ऑफ अर्जेंसी जब मैंने बिजनेस शुरू किया था दोस्तों, नौकरी छोड़ी थी तो मैंने एक मार्केट बनाया था, पापा जी की जमीन ली हुई थी, उस पर परमिशन लेके पापा जी से मैंने मार्केट बनाया था क्योंकि बिजनेस करना चाहता था. वो मार्केट 35 लाख रुपए का हमें कर्जा हुआ था, उस वजह से वो मार्केट हमारा बिक गया था और
2008 और 9 में। तो बिकने की वजह से क्या हुआ, हमारे जो रिश्तेदार थे गांव वाले थे तो पापा जी से बहुत ताने मारते थे, कहते थे कि यादव जी तुम्हारा लड़का तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा, इसे बेदखल कर दो, अपनी प्रॉपर्टी से हटा दो। तो मुझे अपने आप को प्रूव करना था, उस समय मैंने एक ड्रीम डिसाइड किया था इस मार्केट को मैं परचेज करूंगा। और जब बिजनेस कर रहा था पैसा ज्यादा नहीं बना पा रहा था, 2015 में जब बिजनेस मेरे पास आया तो मुझे लगा कि यस यही अपॉर्चुनिटी है जिसकी मुझे तलाश थी, जिसका मुझे इंतजार था, रियली ये मेरा ड्रीम जो मार्केट परचेज करना है ये इस बिजनेस से 100% पूरा हो सकता है। तो मैंने पहले ही दिन से बताया था आपको कि प्राथमिकता सेट की कि मैं 2 से 5 साल इस बिजनेस को लगातार करूंगा, और उसी में ड्रीम डाला, इमोशनल ड्रीम, जो पेनफुल मेरा ड्रीम था पहले से ही कि मैं इस मार्केट को परचेज करूंगा। उस वजह से मेरे अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट हुई कि अगर देर हो गई तो ये मार्केट में परचेज नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कब दुनिया से मैं चला जाऊं, इसलिए वो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट हुई। मैंने पहले ही दिन से 10 प्लान 15 प्लान रात दिन बाइक से प्लान दिखा के 6 महीने के अंदर एक अचीवमेंट किया, और 2019-20 और 21 में वो 2.5 करोड़ रुपए की मार्केट आज मैं पूरी परचेज कर चुका हूँ। तो वो अर्जेंसी मुझे क्यों क्रिएट हुई, मुझे डर था कि कहीं मैं मार्केट अगर परचेज नहीं कर पाया मेरे जो रिश्तेदार ने मेरे जो दोस्तों ने मेरे गांव में जो बदनामी करी है मैं उनको वो जवाब नहीं दे पाऊँ, मुझे वो अंदर से डर था। उस डर की वजह से मेरे अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट हुई, क्योंकि मैंने सभी में ये डिक्लेयर कर दिया था कि एक दिन ये मार्केट की मेरी विकी है इसको मैं परचेज करके दिखाऊँ। तो दोस्तों वो डर ने मेरे अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर दी, और उस वजह से मैंने रात में देख करके इस बिजनेस को बनाया, और आज वो मार्केट पूरा आपका हो चुका है। प्लीज क्या अगर अभी मन चाही सफलता नहीं मिली है तो इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में अभी तक प्रायोरिटी सेट नहीं है बिजनेस की, और दूसरा है कि हमारी लाइफ में अभी तक कोई अर्जेंसी क्रिएट नहीं हुई है, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट नहीं हुई है कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं और जल्दी क्यों करूं। क्या है हमारी लाइफ में एक अर्जेंसी, कोई है ऐसी अर्जेंसी क्रिएटेड? किसी की लाइफ में ये होती है कि मेरे फादर को कुछ हो उससे पहले मैं बिजनेस कर लूं, मेरे फादर मेरा रिकग्निशन दे लें, या मेरे बच्चे बड़े हो उससे पहले उनकी एजुकेशन शुरू हो, उनके पैसे उनकी एजुकेशन में जो पैसा खर्च होना है उसको मैं उसका खर्च उठा सकूं, इसीलिए मुझे बहुत सारा पैसा बनाना है, वो स्कूल की जो फी है मैं अफोर्ड कर पाऊं, हमारे कमाल भाई का इमोशनल ड्रीम था मर्सिडीज बेंज, वो जीते हैं, वो उसको अपने बच्चे की तरह एकदम साफ रखते हैं, क्लीन रखते हैं। कमाल भाई सॉरी अगर आपका मर्सिडीज 4 दिन में थोड़ी गंदी हो जाए तो, क्योंकि कमाल भाई ने अभी हमको दे रखी है, और वो मना करते करते उन्होंने हमको दिए कि नहीं 4 दिन आप ही रखेंगे, कमाल भाई कहा है मैं देख नहीं पा रहा। तो वो उनका इमोशनल ड्रीम था, गाड़ियों के लिए जीते हैं, वो अभी नेक्स्ट गाड़ी प्लान कर रहे हैं। तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ है जो अर्जेंसी क्रिएट कर रहा हो, उसको ढूंढना होगा, डिस्कवर करना होगा। सर इसमें एक बात हम जरूर एड ऑन करेंगे कि जैसे हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी जो समझ में आया तो पहले ना वो बहुत सारे काम में जो उलझे रहते थे, लेकिन जब आप जानते हैं कि मैं मीडिया को 50 रुपये का आइसक्रीम भी नहीं दे पाता था, जिस मोहल्ले में रहता था तो हमारी वाइफ को लोग बोलते थे कि अच्छा इसका पति पहले कपड़ा बेचता था, चाय पत्ती बेचता है, तो ये सब चीज जो चीख कान में आता था ना, तो बोले कि चलो मैं बताता हूँ तेरे को 3 साल में, लेकिन भैया का जब सीढ़ी सुने 30 रिसेंशियल, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आपको कम से कम 100 थाउजेंड स्टैंड सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बात मुझे समझ में आया अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, वो हम कर नहीं पाते थे जो पहले आते थे लगता था इसको कर लेते हैं, लेकिन जब हम बिजनेस को प्रायोरिटी सेट कर लिए तो हर चीज़ को हम अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में बांटते चले गए कि इस वक्त इस महीना मेरे लिए कौन काम अर्जेंट है और कौन काम इम्पॉर्टेंट है, और हर वो काम जो बिजनेस से रिलेटेड होता था, जो हमको बिजनेस में पुश करता था, उस काम को इमरजेंसी में करते चले गए और आज सफल हो गए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट है नो डिपेंडेंसी। हम कई बार डिपेंडेंट होते हैं या तो डाउनलाइन पे कि ये काम करे तो बिजनेस चले, या बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं अपनी अपलाइन कि मेरी अपलाइन तो मेरी मदद ही नहीं करती, मेरी अपलाइन तो बहुत दूर रहती है,
मेरी अप्लाई मेरे लिए प्लान नहीं दिखाती, मेरी अप्लाई मेरे से फोन पे बात नहीं करती, कभी भी अप्लाई फोन नहीं करेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अप्लाई को फोन करें और उन्हें बताएं, उनसे जानें, उनसे सीखें। पर हमारी माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, बैक ऑफ माइंड में हमारी डिपेंडेंसी रहती है किसी न किसी पे, और इसीलिए पॉइंट क्रिएट हुआ है नो डिपेंडेंसी, नो डिपेंडेंसी ऑन अप्लाई, नो डिपेंडेंसी ऑन डाउन माइंड, दोनों की बात आती है। इसमें मैं चाहूंगा कुछ ऐड करना चाहेंगे। सर ये मुझे आज इस बात की खुशी हो रही है कि हमारी अब बैंक 1500 किलोमीटर दूर है, क्योंकि भैया ने आज तक मेरे लिए वो प्लान नहीं दिखाया और हम ड्यूसिटी से भी गए। तो ये डिपेंडेंसी अगर होती कि बगल में प्लान रहते ना, तो हर वक्त उन्हीं को लोग बुला लेते हैं, प्लान प्लान दिखा दो, ये टूल्स दे दो, वो टूल्स दे दो, तो वो अच्छा है कि दूर ही रहें और वो एक भगवान की तरह ही रहें, बस वहाँ से आशीर्वाद देते ना, अपना काम करते चलो। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस बनाने में कभी संकोच मत कीजिए, कभी हेजिटेट मत कीजिए कि मैं वहां स्पॉन्सर करूंगा तो क्या होगा। अगर हम ऐसा सोचेंगे कभी बिजनेस बड़ा नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर हम डिपेंडेंट सोच, हमारी सोच डिपेंडेंट है, अरे डाउनलाइन तो पास भी होनी चाहिए क्योंकि वो मेरे पे डिपेंडेंट रहेगी, मैं उन पर डिपेंडेंट रहूंगा। अगर ये डिपेंडेंसी वाली सोच होगी तो हम कभी बड़ा बिजनेस नहीं बना पाएंगे। अगर हम भी ऐसा सोच लेते तो हम जयपुर राजस्थान से कभी बाहर नहीं जा पाते। आज पूरे इंडिया की पूरी दुनिया में इसलिए है क्योंकि डिपेंडेंसी वाली सोच नहीं, लोग खुद ग्रो करते हैं। बच्चे को चलना 1 महीने सिखाया जाता है, 2 महीने सिखाया जाता है, जब वो 5 साल का हो जाता है तब थोड़ी हम उसका हाथ पकड़ के चलते हैं, तब तो वो चलना सीख गया। तो अगर हम एक बार चलना सीख गए उसके बाद डिपेंडेंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ज्योतिषी सर, मेरा स्पॉन्सर ब्रदर सर जो है 300 किलोमीटर दूर होता है, उनका अपने के साथ है जयपुर में होता है, बहुत दूर है, लेकिन जैसे मैंने कहा बहुत सही, तब यही डुप्लीकेट सोच सकता है। मैंने अभी जो डीसीडी सुरेश कुमार मेरे से अगर करीब 300 किलोमीटर दूर रहता हूँ उसके लिए मैं प्लानिंग नहीं था। नॉयम जॉर्ज कल जो रिलीज करेगा DUCD उसके लिए मैं प्लानिंग नहीं था, क्योंकि जब खुद आप एम्प्लॉय अपना मान जाता है और लोगों को बस खुद जाता है, सब काम आपको अपने आप करना पड़ेगा। क्योंकि क्या आप जबरदस्त लीडर बनना चाहता है, महान लीडर बनना चाहते हैं, हर काम खुद आपको करना। इसलिए इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी डाउनलाइन कहती है सर आप ही प्लान दिखाने आओ कोई ज्वाइन होगा, आप बहुत अच्छा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें डीसीसी बनना, हमें बहुत अच्छा लीडर बनना है, तो डिपेंडेंसी ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है। अब भैया हमसे 250 किलोमीटर दूर रहते हैं, अगर पहला प्लान दिखाने के बाद सरभगी जी ने पहला प्लान किया था उसके बाद हमने पूछ लो भैया यहाँ बैठे हैं, हमने कभी भी भैया से प्लान नहीं करना, क्योंकि हमें लीडर बनना है। क्योंकि अपलाइन अगर प्लान दिखाएगी तो आपकी टीम जितनी भी है वो अपलाइन का उसी को लीडर मानेगी, तो आपको भी तो अपना टीम का लीडर बनना है। यस और नो? यस। इसलिए इंडिपेंडेंट बनो। थैंक यू। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट 23 इयर्स अगो व्हेन आई केम टू दिस इंडस्ट्री, I sponsored 18 people in 1 week time without any help of my employee. I myself show the plan. Now it takes 40 minutes. That time I had very little information, so I finished it with 20 minutes. But all the 18 people joined the business because of the excitement. I was trying to make it and not my employee joined for me. I was showing my business plan for me, for them. So 18 people joined and in my organization nobody has overcome that record. 18 people in 1 week. And he also told that his upline didn't show any plan. Now I have to tell you, if you want to be PUCD and come here, don't depend upon your upline, start showing your plan. Wow. एक बात पे हम एंड करेंगे जो ज्योतिष जी ने मुझे अभी कान में बताई है, मैं चाहूंगा ज्योतिष जी पर सबको बताया और हम सेशन प्लान करेंगे, टाइम अप हो गया है और कोई इशू नहीं है। तो मैं वैज्ञानिक का नौकरी करता था, आई वाज वर्किंग एज अ साइंटिस्ट। तो अभी 2 महीने पहले मेरा एक दोस्त था, मेरा ऑफिसर था, फायर पोस्ट में था, उनका रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट मतलब वो वीक वो बीआरएस ले लिया,
उन्होंने वियानस ले गया और मुझे बोला तुम मेरा जूनियर है, तुम इतना सर्विस ज्यादा था, देखो मुझे रिटायरमेंट बेनिफिट मिला 36 लाख रुपए, 36 लाख रुपए मिला 20 साल के बाद काम करने के बाद। तुमने क्या गलती किया योगेश, क्या नौकरी लेना छोड़ा? तो मैंने जवाब दिया लास्ट फाइनेंशियल ईयर वेस्टी से मैंने इनकम लगा 82 लाख, एक साथ एक ही बार बनता है ना। अब आगे क्या क्या होने वाला है फ्रेंड्स, दिस इज द पावर ऑफ लीवरेजिंग, दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये पावर आपके है, कोई भी कर सकता है, करोड़ों रुपए आप कमा सकता है। ओनली थिंग जस्ट टू फॉलो द विनिंग सिस्टम एंड टेकिंग एसेंशियल्स, दैट्स ओनली थिंग अल्टीमेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द न्यू सीरीज, and we move on to the next session. Back to host.